दक्षिण भाग में सिद्धाश्रम के अधिपति, भगवान के सेवक और इस इंग्लैंड की धरती पर सनातन धर्म का झंडा अनेक महापुरुषों के द्वारा फहराने वाले और पुनः सदियों तक इस इंग्लैंड को एक ऐसी धरोहर देने वाले हैं आप श्री, कि एक ऐसे सिद्धाश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं जो समूचे इंग्लैंड में एक अनूठा और अनोखा होगा। ज्येष्ठ भ्राता श्री, उनके बगल में प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओमंस। आई पहले हम जब आए थे तब हमने कहा था आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन आई कैन स्पीक इंग्लिश बट लिटिल लिटिल। पिछली बार अलग सूत्र था, बदल गया। कल रात को एक हमारे बड़े प्रिय जर्मनी से हैं, हाउ यू माय डियर, वो बहुत शंकर जी के भक्त हैं जर्मनी से, कल रात से हमारे पास मिलने को आए। तो हाँ, वो बहुत प्यारे भक्त हैं, जर्मनी के हैं, धाम भी 4-6 बार धक्का खा चुके हैं, तो यहाँ भी आए। तो उन्होंने कल जब हम रात को मिले उनको तो बोले गुरुजी अब आपकी अंग्रेजी, हमने कहा कि भाई हम तुम्हें बड़ी दिक्कत होती, तो जो ट्रांसलेटर बहन जी बैठी थी उन्होंने, हमने कहा कि इनसे कहो कि भाई तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम जल्दी सीखेंगे। तो उसने इतना गजब का जवाब दिया, बोले हम आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। हमें बहुत खुशी हुई, हमने कहा कि यही तो समस्या का समाधान है। लोग हम भारत गए तो लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजी सीख लो, आप अंग्रेजी सीख लोगे। बहुत से हमारे स्नेही बोले आप इंग्लिश सीख लोगे तो ज़्यादातर लोगों को लाभ होगा। हमने कहा ये समस्या हमारी नहीं, ये अंग्रेजों की समस्या है, वो हिंदी सीखें, हम क्यों समस्या में पड़े हैं। लेकिन यहाँ के साइमन ओमंस बहुत ही प्रिय हैं, आप आए और आप धाम भी गए थे, यहाँ के जो राजा हैं उनके आप प्रतिनिधि हैं लंदन शहर के, स्वभाव बड़ा अच्छा है। अब बस मन इनका क्रिश्चियन का है, तन सनातनी हो गया है, गले में माला और भगवत गीता होना सनातनियों के लक्षण है। यूं कह सकते ये बिगड़ रहे हैं, लेकिन भगवान करे ना कभी हमारी हिंदी का अर्थ पता ना चले। इनको अगर हिंदी का अर्थ पता लग गया तो ये सभी अंग्रेज जुड़कर इतनी बुरी धुनाई करेंगे, हम इतनी विचित्र तरीके से ठठरी इनकी बारते हैं। लेकिन ये भी एक आशीर्वाद ही है। तो आप सब जो जो विराजमान हैं, आज हमारी डियर सिस्टर अपने बच्चों को लेकर आई हैं, अब उन बच्चों को कौन समझ में आ रहा है कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। लेकिन बेचारे बैठे हैं, हिम्मत बांधे, मजबूरी है और बैठना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं।